right in Islam. और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है. दोनों बात एक साथ है. विषय पर कम लोग बोलते हैं, लेकिन चर्चा में ये बात हमेशा रहती है कि मुसलमानों में ऐसा है, इनके पास जो है इनके अधिकार नहीं है, या स्त्रियों के इनके पास क्या अधिकार है, लोग क्वेश्चन करते हैं. और इस कार्यक्रम से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था न्यूज़पेपर में, जो कुछ लोग इंटरव्यू लेने आए थे, जिनको अचंभा लगा, वो अचंभित हो गए कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या कि मुसलमान आपस में औरतों के अधिकार डिस्कस करें, या उनके क्या अधिकार हो सकते हैं. और जब मुझसे वो इंटरव्यू लेने आए तो कहा, सर एक बॉटम लाइन बात करता हूँ एकदम बिल्कुल. तो मैंने कहा बिल्कुल आप शुरू हो जाइए, जो आपको कहना है मैं सुनने को तैयार हूँ. तो कहा मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि मुसलमान औरत को बुरख़ा पहनाकर घर में रख दिया जाता है, इसके अलावा कोई अधिकार है? तो कहा जब मेरे जैसे व्यक्ति के जहन में ऐसी बातें हैं कि इस्लाम में क्या अधिकार है, तो आम लोगों की क्या धारणा होगी, तो वो आप सोच लीजिए. मैंने कहा बात सही है, गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है कि अगर कोई हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो हमारा भी काम है उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहिए. ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई हम पर इल्ज़ाम लगा और हम उससे क्लियरिफिकेशन देते रहें, लेकिन कुछ समय ये ज़रूरी भी हो या अनिवार्य भी कि हम कुछ चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसका जवाब भी देने का हम कोशिश करें. ठीक, तो बहरहाल उसी की एक कोशिश में ये भी एक कोशिश है कि मैं आपके समक्ष कुछ बातें इस्लाम में स्त्री के अधिकार रखने की कोशिश करूँगा.